स्टूडेंट, हम अंशों की जप्ति के संबंधी नियम सीख चुके हैं। अब आज हम लोग सीख रहे हैं अंशों के जप्ति से संबंधित सवालों को। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, पेज नंबर 8.16 पर। शुरू करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की बार रीडिंग लगा ले। एक्स लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए। एक अंश कितने का है? 10 रुपए का। अंशों की कुल संख्या कितनी है? 10,000। आवेदन पर 2 रुपया प्रति अंश है, आवंटन पर 3 रुपया प्रति अंश, प्रथम याचना पर 2 एवं द्वितीय याचना पर 3 रुपए है। आगे कह रहे 300 अंशों के पक्षधारी राजेश ने प्रथम एवं द्वितीय याचना नहीं चुकाई, अर्थात उसने यहाँ पर हमें 2 याचनाएं नहीं दी है। अतः द्वितीय याचना के बाद मतलब उन्होंने उससे पूरा पैसा मांगा है, कंपनी ने उसके अंशों को जब्त कर लिया। आपको केवल जब्ती संबंधी प्रविष्टि करना है। चलिए शुरू करें। हेडिंग हमारी क्या बनेगी? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। जब्ती कर रहे हैं और आपको प्रथम एवं द्वितीय याचना नहीं मिली है, समूल्य वाला सवाल है क्योंकि हमने 10 रुपए वाला अंश 10 रुपए में ही दिया है। तो सबसे पहले जब्ती वाली एंट्री में डेबिट क्या होगा? शेयर कैपिटल, क्योंकि आवंटन रद्द होगा यहाँ पर। शेयर कैपिटल हमारी पूंजी, हमारे पास वापस शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। तो जो उन्होंने नहीं दी याचना है, क्या नहीं दिया? तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर, सेकेंड कॉल, और जो पैसा हमें मिल गया वो हम कहां भेज देंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट नरेशन बीइंग, कितने शेयर्स थे राजेश के पास? 300। बिंग 300 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक, जब इनका पूरी एंट्री कितने अंशों से बनेगी? 300। कैपिटल कितने की होगी? 300 गुणे पूरे 10 रुपए मांगे, इसलिए डेबिट में 3,000। ठीक, फिर आपको क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल, तो 300 गुणे प्रथम याचना कितने की दी हुई है आपको? 2 रुपए की। तो 300 गुणे 2 प्रथम याचना होगी 6 की। द्वितीय याचना 300 गुणे आपको कितने से नहीं मिली? 3 से। तो ये हो गया 300 गुणे 3 = 900। अब क्या मिल गया? आवेदन का हमें मिल गया 2 रुपए और आवंटन का 3, मतलब टोटल 5 रुपया हमें प्राप्त हो गया। तो 300 गुणे 5 कितना आ गया? 1500। डेबिट और क्रेडिट की टोटल देखें, 6 और 9 15 15 और 15 3000, ये भी 3000। ठीक है, ये आपको समूल्य पर हरण इस प्रकार से होगा। अब 34वां सवाल देखिए, आपको कह रहे हैं अवधेश ने नीलेश लिमिटेड के 10 रुपए वाले 500 संतांश खरीदे, आवेदन पर 2 रुपया, आवंटन पर वह आवेदन पर 2 रुपया ही चुका पाया, वह आवंटन 3 रुपए और प्रथम याचना के 5 रुपए नहीं दे पाया। अतः कंपनी ने अवधेश के सभी अंश हरण कर लिए, कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां कर ली है। तो अब ये पूरा सवाल बनेगा क्योंकि आपसे सभी एंट्रियां यहाँ पर चाही गई, लेकिन उसने केवल आवेदन चुकाया है, आवंटन और याचना हमें नहीं चुकाई है। ये भी समूल्य का सवाल है। अब की बार हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नीलेश लिमिटेड। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। पहली एंट्री क्या बनेगी? आवेदन मिला, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन, वही एप्लीकेशन कितने हैं अवधेश के अंश? आपके 500 अंश हैं और आवेदन पर आपने कितना रुपया मांगा? आवेदन पर 2 रुपया मांगा, तो 500 × 2 = 1000 रुपये हमें प्राप्त हो गए। आवेदन ड्यू कर लें। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैप
में एप्लीकेशन मनी ड्यू सेम अमाउंट 1000। ठीक, अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे थर्ड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट मेन अलॉटमेंट डी। अलॉटमेंट कितने का है हमारा 500 × 3। अभी कह रहे हैं कि अलॉटमेंट तो 1500 का जो है वो उसने दिया ही नहीं, इसलिए हम रिसिप्ट की एंट्री करेंगे नहीं। अब हम कॉल मांगते हैं उससे, तो कॉल मांगे कॉल ड्यू करें चौथी एंट्री में। रिसिप्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो दे नहीं पाया है। ठीक है, शेयर कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल बैंक कॉल डी और कितने की है 500 × 5। ठीक, तो 250 रुपये सॉरी 2500 रुपये हमें कॉल पर भी नहीं दे पाया, अतः कंपनी ने उसके अंश क्या कर लिए, जब्त समूल्य पर जब्ती है यहाँ पर भी, तो करंट की एंट्री बना देते हैं नंबर 5 पर। कैपिटल जो पहले क्रेडिट हो रही थी देय करते समय, अब वापस डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू। क्या नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि वो ड्यू रह गया था, आपने खुद देखा भी एंट्री में यहाँ पर अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट किया डेबिट किया था आपने 1500 से, वो 1500 यहाँ पर, या चाहे तो आप कर भी सकते हैं 500 × 3। ठीक है, फिर कॉल ये रही आपके सामने एंट्री टू शेयर कॉल पहले मांगी थी, तो डेबिट अब नहीं मिली इसलिए क्रेडिट करते हैं। कॉल कितने की है 500 × 5 पीरियड 1000, और जो पैसा हमने मिल गया आवेदन का वो हर्डल करके कहाँ भेजेंगे टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। कितना मिला 500 × 2, कितना हो गया 1000, और आपके कैपिटल कितने से 500 × 10, टोटल कितना हो गया 5000 से। ठीक है, इस प्रकार से आपका बिंग 500 शेयर्स 450 ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, ये समूल्य पर हरण के इस प्रकार से दो सवाल हमने समझे, एक में केवल एक एंट्री बनाई, एक में समस्त एंट्री बनाकर मैंने आपको समझाई। ओके।